आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई निकू भैया कैसे हो, पहले बताओ। बढ़िया। तो भैया जैसे आपको जानते सब लोग के बेस को टॉप बनाना, तो आज भी क्या कुछ देखने को मिलेगा? आज फ्रंट से आपको टॉप नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाकी टॉप से भी ऊपर है। अच्छा, क्या कुछ गया सर? मैं सारा बताऊंगा इस गाड़ी में क्या क्या लगाया था और कहाँ से गाड़ी आई थी हमारे पास। ठीक है, तो कहाँ से ये गाड़ी? गाड़ी तो सबसे पहले यूपी से आई थी, सहारनपुर से। ये भैया है हमारे, गाड़ी के ओनर है। कैसे सर आप? बढ़िया है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नईम चौधरी है। और सर आपको निकू भाई के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली वी आर वॉचिंग इस वीडियो फ्रॉम लास्ट जी 1 ईयर। अच्छा, तो फिर समय जब भी लगा, अच्छा वहाँ पे एक काम अच्छा है, वो बेस स्टॉप होता है, सब एसेसरीज अवेलेबल हैं जी। तो मैं यूट्यूब से ही पता लगाएंगे। तो आपने बेस मॉडल लेके आए थे आप? हाँ, बेस मॉडल लेके आए थे। तो आप अपने लुक चेकआउट कर लिया? आपने कैसी लुक है आपने? हाँ, मैं चेकआउट कर लिया। तो एक बार वीडियो में दिखाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसी लगी गाड़ी अब मॉडल होने के बाद? नहीं, गाड़ी तो मैं सही लगी है। गाड़ी सही लगी, बढ़िया लग रही है। हाँ, जो जो नीड है सारी पूरी कर दी भैया ने। हाँ, वो जो बेसिक नीड्स थी हमारी, जो सब पूरी हो गई। वो तो चलिए, बाकी नंबर की बात क्या, 10 में से क्या नंबर देंगे? नंबर तो अभी दे देंगे। दे देंगे? हाँ, चलिए भाई, नंबर दे देंगे। बाकी एक बार वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करें? हाँ, वीडियो। चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। बता दो भैया, क्या कुछ डिटेल में इसके अंदर काम किया गया, क्या कुछ क्वालिटी और क्या कुछ फिटमेंट रहने वाली है? सबसे पहले हेडलाइट कंपनी का बेस मॉडल वाली देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार टॉप मॉडल वाला है नहीं जी। टॉप मॉडल वाला कस्टमर का नीड नहीं था अभी आगे फ्रंट से टॉप बनाने का जी। अपने पास अवेलेबल ऐसे रहता है, लेकिन इसमें हमने सेम स्टॉक हेडलाइट में हमने एलईडी 180 वाट का डीएसपी ब्रांड का डाला है। डीएसपी ब्रांड वाला, बिल्कुल। इसमें हमने प्रोजेक्टर लगाया तो 3 इंची का है, ठीक है। इसमें एलईडी हमने 180 वाट का इसमें भी लगाया है जी, ठीक है। फ्रंट से अगर बात करोगे तो आपके पास टॉप मॉडल और हेडलाइट ग्रिल दोनों सेटअप है, जो 60,000 रुपए में आप परचेज कर सकते हो। 60,000 के अंदर? हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फ्रंट से टॉप बनवा सकते हो, फ्रंट से टॉप आपके 60,000 के अंदर बन जाएगा यहाँ पे। बाकी बात करोगे तो अपना फ्रंट से बाकी अपना यही काम है जी। जिसका रिस्पांस मैं आपको चेक करा देता हूँ एलईडी का अपना, ठीक है। रिस्पांस भी चाउट करा दे, क्या कुछ रिस्पांस रहने वाला है। और भाई जो एलईडी लगाई है ना, उसका रिस्पांस आपका बहुत ज्यादा ब्राइट रहता है। देखो भाई, ऑन हो चुका है, ठीक है। और रिस्पांस चेक आउट कर लो, ये कुछ आपका लाइट रिस्पांस रहेगा, बहुत ज्यादा ब्राइट सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। और डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा। चलिए भाई, फ्रंट से तो बढ़िया कर दिए यहाँ पे। साइड प्रोफाइल की बात किया, साइड प्रोफाइल में क्या कुछ? साइड प्रोफाइल में सबसे पहले बात करोगे, गाड़ी में चाहे जितना भी खर्चा कर लो, जब तक अलार्म नहीं लगा तब तक लुक नहीं आता जी। इसमें हमने L9 क्रेटा वाली 18 इंची का लाइव लगाया है। इसमें 18 इंच जो जेन्युइन हुंडई का है अपना, ये देख लो भाई, जेन्युइन हुंडई का आपको देखने को मिल जाएगा। L9 का अलॉय, जो कि भाई लुक बहुत ज्यादा एनहांस कर चुका है। अब ये देख लो भाई, ये डिफरेंस है। एक यहाँ पे गाड़ी में देख लो, बिना अलॉय की गाड़ी है जी, और ये देख लो भाई अलॉय की गाड़ी। तो भाई फर्क तो बहुत ज्यादा आ जाता है अलॉय लगने के बाद ही, बिल्कुल। इसके अलावा देखोगे तो फेंडर पे इंडिकेटर आता है, उसको हटा के हमने वेंट लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो अपना चाबी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये अपना वन टच मिरर फोल्डिंग हो गया, ये देखो वन टच से फोल्ड हो गया और वन टच पे अनफोल्ड भी हो गया है। ये डब्बा पैक मिरर होता है अपना जी, जेन्युइन किया का, ठीक है, जिसपे आपको 50% ऑफ मिलता है। 50% ऑफ, बिल्कुल। ये आपको मिरर फोल्डिंग हो गया, इंडिकेटर हटा के बेंच लग गया, 50% ऑफ करने के बाद मिरर 8,500 का पड़ता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो हैंडल क्रोम हो गया अपना जी, वाइजर लगाने का कस्टमर का नींद, विंडो गार्निश क्रोम हो गया जी, रूफ रेल अपना हो गया। साइड से नीचे की बात करोगे तो अपना फुटरेस्ट हो गया, जो जेन्युइन है, जेन्युइन फुटरेस्ट इंस्टॉल कर दिया। देख लो भाई, सेल्टोस भी आपको नीचे बैजिंग में देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। भाई क्वालिटी बढ़िया रहने वाली है आपकी इसके अंदर। बाकी बात की और क्या कुछ अपडेट है बैग में कुछ है? बाहर पे अपना पीछे से आप बता सकते हैं, साइड प्रोफाइल से बस अपनी ये काम है जी। साइड प्रोफाइल से देखोगे जैसे अलॉय का लुक मैंने बताया था जी, इस गाड़ी को जो ब्लैक कलर की गाड़ी है ना, इसमें अलॉय लगने के बाद ही लुक कुछ अलग आ रहा है। देख लो भाई, ये कुछ आपकी कंप्लीट लुक देखने को मिल जाती है। बैक में चले तो बैक में देखोगे तो अपना सेंटर वाला पीस टेल लाइट चेंज, तीनों पीस चेंज नहीं है, ओनली फॉर सेंटर का चेंज है। ओनली सेंटर पीस चेंज, हाँ बिल्कुल। ये देख लो भाई, सेंटर पीस देखो, अगर साइड वाला पीस रहता तो इसके साथ कनेक्टिंग जुड़ जाता है जी, ठीक है। देख लो भाई, इंडिकेटर में भी प्रॉपर आपका, अगर जिनको तीनों पीस चाहिए तीनों पीस अवेलेबल है, जिनको सेंटर का चाहिए सेंटर का मिल जाएगा। इसके अलावा रियर वाइपर आप लगवा सकते हो, वो भी ऑर्डर पे। बैक प्रोफाइल से बात करो तो स्पॉइलर अपना लगा हुआ, बेस मॉडल में आता नहीं लग के। तो भैया एक बार बताओ, ये जो टेल लाइट लगाने लगाई सेंटर वाली, इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल भाई, चलो भाई, इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा देखोगे तो पार्सल ट्रे अपना आउट ऑफ मार्केट होता है, ठीक है, ठीक है। जिनको ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल में मिल जाता है, ओरिजिनल में साइड से पक्का चेंज किया जाता है, ठीक है, इसमें नहीं चेंज। इसके अलावा देखो तो बूट लैंप अपना लगा हुआ है, ठीक है, बूट लैंप इंस्टॉल कर देंगे आप लोग जी। बाकी देख लो भाई, मिरर वगैरह जो भी निकले सारे कस्टमर वापस जाएंगे, बिल्कुल सारे कस्टमर का। एक हॉर्न आता है इसमें, वो भी हॉर्न भी चेंज है, हॉर्न कस्टमर का मिरर चेंज है। अच्छा। इसके बाद देखो डब्बा सा आता है, लग के सिस्टम नहीं आता है, बेस मॉडल से पूरा
कस्टमर का है। ठीक है भाई, बाकी अंदर की तरफ लेके चलते दिखाते अंदर से क्या अपडेट है। अंदर भी कुछ बढ़िया किया होगा आपने। बिल्कुल भाई, अंदर देख लो। सबसे पहले तो भाई एम्बिएंट दिख रही है बहुत प्यारी। अंदर अंदर से देखो, सबसे पहले डोर डैम्प है। ठीक है, डोर भी डैम्प कर दिया हमने। ये फर्क होता है जी, डिफरेंस बहुत है इसके। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो अपना एम्बिएंट लाइट 18 पीस वाली, 18 पीस में। बिल्कुल, 18 पीस में बताओ आती कहां आता है अपनी। एक पहला पीस हो गया, चार डोर में चार स्टिप हो गया जी, दो डैशबोर्ड हो गया, छह स्टिप हो गया। ठीक है, छह और चारों इंडियन हैंडल में हो गया, 10 पीस हो गया जी, चार लो बॉक्स में हो गया, 14 पीस हो गया, चार पैर के पास आ गया, 18 पीस हो गया। भाई देख ले, 18 पीस है कुछ तरीके से कॉम्बो आता है। इसके अलावा देखोगे तो अपना पियानो फिनिश में है, जो टॉप मॉडल में आता है। ठीक है, अपना सॉफ्ट टच लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्ट टच भी यहाँ पे इंस्टॉल। वन टच मिरर फोल्डिंग है जी, देख लो भाई, प्रॉपर वन टच के अंदर मिरर फोल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड भाई ये प्रॉपर कटिंग का लगाया अपना। बिल्कुल ठीक है भाई, लग नहीं रहा प्रॉपर कटिंग वाला, लेकिन क्वालिटी आपको बढ़िया मिलती है, जेन्युइन से भी ज्यादा अच्छी। इसके बाद अगर बात के अंदर से और क्या कुछ अपडेट रहने वाला अपना। अंदर से सबसे पहले देखोगे तो अपना स्टीयरिंग में, बेस मॉडल में स्टीयरिंग नहीं आता, हमने स्टीयरिंग रैप कर रखा है। इसमें क्रूज कंट्रोल किया और स्टीयरिंग कंट्रोल जेन्युइन। क्रूज का एमआरपी 4250 होता है, इसमें 50% ऑफ करोगे। स्टीयरिंग कंट्रोल का एमआरपी 2500 और उसमें 50% ऑफ करोगे, 1250 का पड़ता है हर आइटम पे। बिल्कुल किया जेन्युइन पार्ट पे जो लगाते हैं। इसके बाद स्टीयरिंग रैप है अपना। इसके अलावा अपना देखो 4250 का गियर नॉब का एमआरपी, इस पे भी 50% ऑफ करोगे तो आपको 2200-2300 रुपए का पड़ता है। ठीक है, ये जेन्युइन है, जिसमें आप कंपनी से देखोगे तो ये अपना गियर नॉब ये नहीं आता है बेस मॉडल में। ठीक है भाई, देखो आप दिखाते किस तरीके से आता है हमारा। ये देखो, ये फर्क देखोगे, डिफरेंस देखो भाई, डिफरेंस कितना ज्यादा यहाँ पे आपको देखने मिलता है पुराने वाले में और आपके टॉप मॉडल वाले के अंदर। ठीक है, अब अगर बात करें स्क्रीन के स्टीरियो की तो क्या कुछ अपने। स्टूडियो अपना 12.33 का स्टूडियो लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर डीवी ड्राइव का लगा हुआ है जी। इसके हाल देखो तो मेन चीज अपना इंटीरियर है, इसमें कुछ अलग कलर है, कैमल कलर के अलावा है। कस्टमर का नीड, कस्टमर का नीड था थैली लगा के देना था, हमने थैली लगा दिया है। देखो प्रॉपर फिटमेंट के साथ सॉफ्ट टच, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है भाई, क्वालिटी भी अच्छी हो भाई, डिजाइन भी आपको यहाँ पे डिसेंट और अच्छा मिल जाता है, परफोरेशन कम्प्लीट मिल जाती है। एंड देख लो भाई, क्वालिटी एकदम आपको लग्जरी वाले मिल जाते हैं यहाँ पे। क्वालिटी के अंदर भाई आपको मल्टीपल चीजें मिल जाती है यहाँ पे, डिफरेंट क्वालिटी अवेलेबल है निको भैया के पास। तो निको भैया कितनी क्वालिटी होगी अपने पास। सीट कवर में बहुत सारे क्वालिटी है मैंने भाई, अपने पास 6000-7000 से स्टार्टिंग हो जाता है, 12500 तक का सीट कवर जाता है। ये देख लो प्रीमियम क्वालिटी, जिनको 40-60 सीट चाहिए वो भी मिल जाएगा। अच्छा, 17000 रुपए का हिसाब से सीटें ले सकते हो। देख रहे हो क्वालिटी कहीं से रिंकल नहीं है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो। कस्टमर का नीड था ऑफ व्हाइट कलर लेने का, तो देखोगे इंटीरियर पे अपना ऑफ व्हाइट कलर है। देख लो भाई, डैशबोर्ड कंप्लीट यहाँ पे आपको ऑफ व्हाइट देखने मिल जाएगा। सिलाई भी आपको एकदम सीधी मिलेगी, स्टिचिंग के अंदर कोई भी इशू नहीं आने वाला यहाँ पे। एंड डिस्प्ले तो भाई ने आपको प्रॉपर फिटमेंट में फ्रेम चेक आउट करो, प्रॉपर फ्रेम है ना, मोटा पतला एकदम इक्वल, एंड भाई हाइट में भी एकदम इक्वल आपका रहने वाला है। तो भाई टॉप एंड क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और ऐसा काम मुझे लगता है आपको ही मिलेगा। नीचे की बात की है तो भाई नीचे सिर्फ हमारे मैटिंग इंस्टॉल की गई है, बिल्कुल कंपनी वाली, बिल्कुल कंपनी वाली। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो फ्लोरिंग में जाए तो क्या ज्यादा फ्लोरिंग 2500 का पड़ जाता है, 2500 का फ्लोरिंग पड़ जाता है। ठीक है, तो भाई देख लो काम ये सब किया, कस्टमर का रिव्यू तो हमने ले लिया, पहली बस उनका रेटिंग बची थी, बाकी काम अच्छा लगा हो तो भाई एक बार ना कमेंट के बताना काम कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी। भाई ये हमारी गाड़ी के दूसरों ने, भैया कैसे आप। मैं ठीक हूँ, क्या हाल चाल आपका। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आज यहाँ पे काम करा के। बहुत अच्छा। अब बाकी जो काम हुआ है आपने, जो भी क्वालिटी का काम करवाया, कैसा लगा काम। बहुत अच्छा काम, बढ़िया लगा। जैसा मैंने यूट्यूब पे देखा था, बाकी लोगों से सुना था, उसी अकॉर्डिंग तो उस हिसाब से आपको सही मिला काम। हाँ बहुत। अगर रेटिंग की बात करें 10 में से क्या नंबर देंगे। 10 out of 10। 10 out of 10। और जैसे भैया ने पहले काम करते पार्किंग के अंदर, अभी जैसे बारिश हो रही है, बताओ काम करवा। हाँ जैसे बारिश हो रही है जी, इसमें लोगों को बैठने में दिक्कत आती है ना जी, तो उसके लिए अलग से निको भाई ने व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, विजिटिंग रूम बना रखा है जी, तो उसमें क्या क्या मिला आपके लिए। पानी स्नैक्स की भी अच्छी व्यवस्था की गई जी, तो ये सारी चीजें। तुम लोग कस्टमर का पूरा ध्यान रखते निको भैया। हाँ ध्यान रखते हैं। चलिए सर, बाकी आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। कस्टमर से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, ज्यादा लगा बाकी रहा। बाकी और लोगों की अपेक्षा रही है कुछ ज्यादा लगा। जैसे पहले हमारी पार्किंग में थी ना जी, तो कस्टमर से भी प्रॉब्लम थी कि भाई धूल मिट्टी में कैसे काम करूं, बारिश आ रहा है, निकू भाई के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। अब हो रहा हूं, बारिश हो चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, अपना प्रॉपर देखो, अभी भी बारिश हो रहा है, दो दिन से 3 दिन से करोड़ में बारिश हो रहा है जी। अन्य दुकान पे आप जाते हो तो सामने गाड़ी जब बारिश छूटता है तब काम चालू होता है जी। यहाँ पर लाइए और लगाइए पूरा सेटअप, देख लो भाई काम करे, ऊपर बैठने का भी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है।